अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। गरीब ब्राह्मण विद्यार्थियों को सरकार महोदय श्लोक से विषय अंतर्गत निवेदन है कि ब्राह्मण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर गरीब विद्यार्थियों को महंगाई के इस दौर समाज के प्रदेश कार्यकारिणी ने तय किया है कि हम सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के जन प्रतिनिधियों को भी छात्रवृत्ति हेतु निवेदन पत्र सौंपेंगे। आप सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, आपकी सक्रियता समाज के हर वर्ग में निरंतर बनी हुई है। ब्राह्मण समाज की आर्थिक स्थिति का आकलन आपको भली भांति है। समाज आपसे निवेदन करता है कि आप सरकार तक हमारी इस अत्यंत जरूरी मांग को पहुंचाकर आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण दौर में 7 वर्षों से मदद करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष इंदौर में 390 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की छात्रवृत्ति समाज के माध्यम से प्रदान की गई और इस वर्ष देवास में भी छात्रवृत्ति हम प्रदान करेंगे। उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के सामने यह राशि बहुत कम है, इसलिए सरकार से छात्रवृत्ति दिलाने के लिए ब्राह्मण समाज द्वारा विगत 15 मई से प्रदेश भर में ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत समाज के प्रदेश कार्यकारिणी ने तय किया है कि हम सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के जन प्रतिनिधियों को भी छात्रवृत्ति हेतु निवेदन पत्र सौंपेंगे। आप सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, आपकी सक्रियता समाज के हर वर्ग में निरंतर बनी हुई है। ब्राह्मण समाज की आर्थिक स्थिति का आकलन आपको भली भांति है। समाज आपसे निवेदन करता है कि आप सरकार तक हमारी इस अत्यंत जरूरी मांग को पहुंचाकर आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण ब्राह्मण महासंघ सर्व ब्राह्मण समाज देवास। जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम। मुख्यमंत्री जी तभी इस बात को पहुंचाऊंगी और आप लोगों को बता भी दूंगी कि आज मैं देख के आ गई। किसी को भी विमल को बता दूंगी, उनको बता दूंगी। अरे रोहन इधर आ बेटा। गरीब हमारे आर्थिक रूप से जो कमजोर ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती, उसके कारण आगे की पढ़ाई वो ब्रेक हो जाता है। वो हमारे पूरे प्रदेश में मांग है कि उन बच्चों को भी जो 10% बच्चे हैं, बाकी तो सारे लोगों को मिलती है, तो ब्राह्मण बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको ही उनके लिए मांग कर रहे हैं। प्रत्येक ब्राह्मण जो सक्षम उसके लिए नहीं कर रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में ये 15 मई से आंदोलन चालू किया है और आपसे निवेदन ये था कि मुख्यमंत्री जी नाम हमारी बात पहुँचाए और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी बात मजबूती से रखाएगी और वो मान्य हो। मैं आपकी बात आपकी चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को पूरी जोर से रखूंगी, बिल्कुल पूरा जोर देके इस बात को पूरी हमारे बच्चों की शिक्षा हो और बेहतर शिक्षा हो उससे बड़ी तो कोई हमारी प्रयास है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा अच्छी हो और उसमें मैं मानती हूँ जरूर इसको रखे हफ्ते धंधे में बोल को ही रहता है जाऊंगी। बिल्कुल समाज की तरफ से आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आके निवेदन किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बहुत पूरे प्रदेश में चल रहा है। जी जी ऐसा नहीं कि अपन देवास ये आज जो है आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे, क्या कुछ मामला? सर्व ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के आह्वान पर छात्रवृत्ति के प्रणेता सम्मानित विकास जी अवस्थी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर
विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए उसके लिए 15 मई से आंदोलन चलाया जा रहा है। उसी तारतम्य में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ सर्व ब्राह्मण समाज देवास द्वारा देवास विधायक श्रीमद राजमाता गायत्री राजे पवार साहब को आज यहां पर निवेदन पत्र सौंपा है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी बातों को दमदारी से रखूंगा और उन्हें छात्रवृत्ति दिलाने के लिए निवेदन करूंगी। आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को सुनेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने को प्रदान करेंगे। ठीक है, आपका नाम और पद बता दीजिए। अध्यक्ष दिनेश मिश्रा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ देवास।